तो चलिए, स्वागत है आप सभी का पोषण अभियान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग जो पोषण अभियान सप्ताह मना रहे हैं, जैसे कि चार अलग अलग सप्ताह में आप लोगों को पोषण अभियान की जो एक्टिविटी है वो आप लोगों को पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर दर्ज करनी है। तो जैसा कि अभी जो दूसरा सप्ताह चल रहा है, इस दूसरे सप्ताह में आप लोगों को 8 से लेकर 14 तारीख के बीच में कौन से थीम के अनुसार कौन सी जो एक्टिविटी है वो आप लोगों को पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे दर्ज करनी है, इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोग 8 से लेकर 14 तारीख के बीच यानी कि किस प्रकार से जो एक्टिविटी है उसको दर्ज करेंगे, और जैसा कि आज है 10 तारीख यानी 10 तारीख 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख और 14 तारीख यानी 14 तारीख तक आप लोग इसी एक थीम के अनुसार जो है एक्टिविटी को दर्ज करते चलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को थीम और गतिविधि के बारे में एकदम क्लियर जानकारी दे दूंगा ताकि आप लोग आसानी से पर डे की जो है एंट्री आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना होगा, जिससे कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। मैं सीधे चलता हूँ पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे, जहाँ पे हमें इस अभियान के अंतर्गत जो एक्टिविटी है उसको दर्ज करनी है, ठीक है। जो आप लोगों को 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक एक्टिविटी को दर्ज करनी है उस एक्टिविटी को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि कौन से थीम के अनुसार कौन सी एक्टिविटी को दर्ज करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ थीम, तो जो आप लोगों का पहला थीम दिया गया है वो है पोषण भी पढ़ाई भी, जो इस दूसरे सप्ताह का मुख्य थीम है वो है पोषण भी और पढ़ाई भी, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा आप लोगों का थीम रहेगा वो यहाँ पे रहेगा आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है। ये दो थीम हो गया, और तीसरा थीम आप लोगों का हो गया मास सैनिटाइजेशन एक्टिविटीज यानी कि सामूहिक आधारित गतिविधियाँ, ठीक है। इसी तीन थीम के अनुसार आप लोग 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो ये दूसरा सप्ताह है इसमें आप लोग गतिविधियों को एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। इस थीम के अनुसार जो है आप लोग अलग अलग दिन जो है वो सिलेक्ट करते जाएंगे और अपना यहाँ पे एक्टिविटी को दर्ज करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर लगा दे रहा हूँ, जिससे कि चीज़ें और आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग पोषण अभियान का जो डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देगा। आप लोग गूगल या गूगल क्रोम के माध्यम से जाके इसको ओपन करके और अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के वहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको इसी प्रकार से जो है वो पार्टिसिपेशन फॉर्म दिखेगा, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो आप लोगों का यहाँ पे थीम रहने वाला है इस 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में, वो थीम क्या रहने वाला है, तो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है पोषण भी पढ़ाई भी, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे मुख्य थीम हो गया पोषण भी पढ़ाई भी, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों का यहाँ पे दूसरा थीम दिया गया है वो है ग्रोथ मॉनिटरिंग। जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है वो आप लोगों को 1 से लेकर 30 तारीख तक यहाँ पे एंट्री करनी है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों का यहाँ पे तीसरा थीम दिया गया है मास सैनिटाइजेशन एक्टिविटीज, जो है सामूहिक आधारित गतिविधियाँ, ये आपका तीसरा थीम हो गया, जो कि ये भी आप लोगों का 1 से लेकर 30 तारीख तक चलने वाला है। अब आप लोगों को क्या करना है कि 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में इसी थीम के अनुसार आप लोगों को अलग अलग जो एक्टिविटी है उसको यहाँ पे दर्ज करनी है। ये आप लोगों का थीम हो गया, ठीक है। ये तीनों थीम के अनुसार जो है आप लोग अलग अलग एक्टिविटी को दर्ज करेंगे, ठीक है। यानी कि 10, 11, 12, 13, 14 तारीख तक आप लोगों का इसी थीम के अनुसार जो है आप लोगों को काम करना है, अदर किसी भी थीम पे अभी ध्यान नहीं देना है। 14 तारीख के बाद आप लोगों का अलग थीम होगा, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि वहाँ पे किस थीम के अनुसार कौन सा जो एक्टिविटी है वो आप लोगों को दर्ज करनी है, ठीक है। अभी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जैसे कि पोषण भी पढ़ाई भी का जो थीम दिया गया है, इस थीम में आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आप लोगों को जो एक्टिविटी दी गई है, जैसा कि यहाँ पे देख पाएंगे एक्टिविटी को ओपन करेंगे तो इसमें आप लोगों को 6-7 अलग अलग एक्टिविटी दी गई है। आप इसमें से किसी भी एक्टिविटी को अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे करेंगे और उसको यहाँ पे पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि शिक्षा चौपाल, ये आपका जो एक्टिविटी है यहाँ पे शिक्षा चौपाल, कम्युनिटी सेंटर खेलो और पढ़ो, ये आपका एक्टिविटी हो गया, ये आपका एक्टिविटी हो गया, ये एक्टिविटी हो गया। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे 6-7 जो एक्टिविटी दी गई है इसमें से किसी भी एक्टिविटी को आप लोग 8 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में करेंगे और यहाँ पे इसको दर्ज कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग अब दूसरा एक्टिविटी कौन सा करेंगे। इसमें से आप चाहे तो 2 एक्टिविटी 3 एक्टिविटी को यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे जो है 2 एक्टिविटी यहाँ से कर लिया
और दो एक्टिविटी आप लोगों को कहाँ से मिल जाएगी, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग में से मिल जाएगी। दो एक्टिविटी आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग में से उठा लीजिए, मास सेनेटाइजेशन एक्टिविटीज़, तो इसमें से आप एक एक्टिविटी उठा लीजिए। तो कुल मिला के आप लोगों का जो है यहाँ पे 5 एक्टिविटी इस प्रकार से पर डे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि आज 10 तारीख है, हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी को कर लिया, यहाँ से दो एक्टिविटी को कर लिया, यहाँ से दो एक्टिविटी को कर लिया, तो हमारा आज का दिन जो है वो यहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। फिर 11 तारीख को क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग पोषण भी पढ़ाई भी में से दो एक्टिविटी को करेंगे, यहाँ से एक एक्टिविटी को करेंगे, यहाँ से दो एक्टिविटी को करेंगे, तो कुल मिला के हमारा 5 एक्टिविटी 11 तारीख के दिन में हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि पोषण भी पढ़ाई भी 12 तारीख के दिन क्या करेंगे कि यहाँ से 3 एक्टिविटी कर लेंगे, यहाँ से एक एक्टिविटी कर लेंगे, तो हमारा 5 एक्टिविटी यहाँ से भी कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आप लोग 8 तारीख से अगर करते आ रहे होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे इसी प्रकार से जो है अलग अलग थीम के अनुसार जो है एक्टिविटी आपको 5 ही दर्ज करनी है। इस प्रकार से आप लोग पोषण अभियान के जो डैशबोर्ड है यहाँ पे आप लोग आके जो इसकी एंट्री है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग को एक ही एक्टिविटी किए हैं, तो यहाँ से आप लोग 2 एक्टिविटी को उठा सकते हैं, यहाँ से 3 एक्टिविटी को उठा सकते हैं। इसमें आप लोगों को एक्टिविटी करने का कोई भी ये नहीं है कि आप लोग एक ही एक्टिविटी कीजिए, इस थीम के अनुसार आप लोग जितना मन चाहे उतना एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन 5 ही एक्टिविटी करना है और 5 ही एक्टिविटी को आप लोगों को पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर दर्ज करनी है। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पर पोषण भी पढ़ाई भी का जो थीम है इसको हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 6-7 जो अलग अलग एक्टिविटी है यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी एक्टिविटी को यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो थीम दिया गया है ग्रोथ मॉनिटरिंग का जो थीम है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। एक्टिविटी में यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एक्टिविटी दिया गया है, इसमें से किसी 1-2 एक्टिविटी को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, फिर से थीम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मास सेनेटाइजेशन एक्टिविटी जो दिया गया है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्टिविटी पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं साइकिल रैली दिया गया है, स्पोर्ट डे दिया गया है, इम्यूनाइजेशन कैंप दिया गया है, तो इस प्रकार से 6-7 अलग अलग एक्टिविटी इसमें भी दिया गया है। तो इसमें से 2, उसमें से 1, उसमें से 2, कुल मिला के आप लोगों को 5 एक्टिविटी 8 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में इस प्रकार से आप लोगों को पर डे जो है वो करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे जो यह हमारा दूसरा सप्ताह चल रहा है जिसमें कि हमें 5 एक्टिविटी कौन कौन सी अपलोड करनी है, इस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। 3 थीम जो मैंने आप लोगों को बताया, पोषण भी, पढ़ाई भी, ग्रोथ मॉनिटरिंग और मास सेनेटाइजेशन एक्टिविटी यानी सामूहिक आधारित गतिविधियाँ, इसी 3 थीम के अनुसार आप लोग 5 एक्टिविटी को पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे आसानी से दर्ज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है कि 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में जो दूसरा सप्ताह मनाया जा रहा है इसमें किस प्रकार से आप लोगों को कौन से थीम के अनुसार कौन सी एक्टिविटी को दर्ज करनी है। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।